कि आपका आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बनाया दोस्तों, आप बनाना तो चाहते हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो दोस्तों 2024 का बिल्कुल नया तरीका लेके आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में 2024 का बिल्कुल नया तरीका दिखाने वाला हूँ जिससे कि सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बन सकता है। बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट आता है कि जो वेबसाइट है वो सही से काम नहीं करता है, कभी खुलता ही नहीं है, कभी मेरा कार्ड बनता ही नहीं है, वहां पे कुछ कुछ एरर दिखाने लगता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है। तो बिल्कुल नया तरीका लेके आपके सामने हाजिर हूँ, बस आप घर बैठे 2-4 मिनट के अंदर अपने मोबाइल फोन से ही अपना कार्ड जो है दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट बना के रख सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। बस अपना आप फोन से इस कार्ड को अप्लाई कर पाएंगे और आपके फोन में ये कार्ड रेडी होके आपको मिल जाएगा दोस्तों। आयुष्मान कार्ड 2-4 मिनट के अंदर अपने फोन से फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल नए तरीके से हम कैसे बना सकते हैं चलिए देख लेते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को अपना गूगल का प्ले स्टोर ओपन करना होगा और आप सभी लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, आयुष्मान ऐप। देख सकते हैं आयुष्मान ऐप आ चुका है दोस्तों, इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिखाया जा सकता है, यहाँ पे आपको नीचे एक्सेप्ट कर लेना है, फिर ये पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों जहां पे लिखा गया है कि आयुष्मान कार्ड बनाना अब और भी आसान। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को लॉगिन करने के लिए कहा जाता है, तो लॉगिन करने का 2 ऑप्शन दिया जाता है, एक होता है बेनिफिशियरी का, एक होता है दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटर का। तो आपको बेनिफिशियरी ही सेलेक्ट करना है, बेनिफिशियरी सेलेक्ट करना है दोस्तों, और नीचे अपना जो मोबाइल नंबर है वो देना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। उस मोबाइल नंबर पे दोस्तों एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी देने के बाद आपको एक कैप्चा फिल करने के लिए कहा जाएगा, कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। सक्सेसफुली आपने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करते ही दोस्तों आपके फोन में एक बहुत ही सिंपल पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपको दिखने को मिलेगा कि सर्च फॉर बेनिफिशियरी, मतलब कि जिन भी व्यक्ति का आपको कार्ड बनाना है उनको आपको सर्च करना होगा कि यहाँ पे उनका डिटेल मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ठीक है। आप अपने आधार कार्ड से ये डिटेल ले सकते हैं, आप अपने राशन कार्ड से ले सकते हैं, ठीक है, अपना जो फैमिली आईडी होता है उससे ले सकते हैं, आपका जो नाम है, आपका जो क्षेत्र है वहां से भी आप ये डिटेल ले सकते हैं। फिलहाल मैं सबसे आसान तरीका दिखाने वाला हूं दोस्तों, यहाँ पे सर्च फॉर बेनिफिशियरी का पेज खुल जाता है। सबसे पहले स्कीम में आपको सेलेक्ट करना है PMJAY, ठीक है। नीचे आना है, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, नीचे आना है, जो भी स्टेट है आपका वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सब स्कीम सेलेक्ट करना है कि सब स्कीम क्या है, यहाँ पे भी दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको PMJAY सेलेक्ट कर लेना है या फिर आपके स्टेट में जो भी जिससे भी आयुष्मान कार्ड बनता है वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं PMJAY सेलेक्ट कर लेना हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है, सर्च बाय का एक ऑप्शन खुल जाता है, जैसे ही आप इन सारे डिटेल को सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका एक सर्च फॉर यहाँ पे सर्च बाय का ऑप्शन खुल जाता है, जिसमें कि आपका रहेगा, आपको फैमिली आईडी का रहेगा, आधार कार्ड का नंबर से रहेगा, आपका नाम से खोज सकते हैं या फिर आप अपने क्षेत्र के हिसाब से खोज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तरह तरह के ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए जाते हैं। तो पहले तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल के देख लेना है, उसके बाद अगर आधार कार्ड से नहीं हो रहा है दोस्तों तो अपना फैमिली आईडी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि फैमिली आईडी आखिर होता क्या है, तो एक कंफ्यूजन को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि फैमिली आईडी जो होता है वो राशन कार्ड का नंबर होता है। अगर आपके घर में किसी का भी आयुष्मान कार्ड बना है, ठीक है, और अगर आपके घर में राशन कार्ड का नंबर है, ठीक है, और आपको राशन मिलता है, आपका भी नाम उस लिस्ट में है, तो उस राशन कार्ड का नंबर देने के बाद तुरंत 2 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका कार्ड बना है या नहीं बना है, और उसके आगे फॉलो करके आप कार्ड को बना पाएंगे। तो मेरे केस में दोस्तों आधार कार्ड नंबर दे देता हूं मैं, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूं और नीचे अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देता हूं, ठीक है, और आपको नीचे सर्च कर देना है। मेरे केस में आधार कार्ड से मैंने किया है, आप भी आधार कार्ड से या फिर फैमिली आईडी से कर सकते हैं। सर्च पे क्लिक करेंगे दोस्तों देख सकते हैं 1 फैमिली फाउंड। आधार कार्ड क्या है कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति का आधार कार्ड का नंबर दिया मैंने, तुरंत मुझे एक फैमिली दिखा दिया कि इस आधार कार्ड से एक फैमिली मुझे मिल रहा है, उनका डिटेल फैमिली मेंबर्स का डिटेल दिखने को मिलेगा। देख सकते हैं मेरे फैमिली में दोस्तों किसी का भी आयुष्मान कार्ड रेडी नहीं हुआ, सबका मुझे बनाना है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों जिन भी व्यक्ति का सबसे पहले आपको कार्ड बनाना है उसके नीचे आपको आना है, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है डू EKYC का। सबसे पहला स्टेप जो है जिस भी व्यक्ति का कार्ड बनाना है उसके राइट हैंड साइड में दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा डू EKYC का, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे डू EKYC पे क्लिक करेंगे दोस्तों ऑथेंटिकेशन का एक पेज खुल जाएगा जहां पे आपको सेलेक्ट कर लेना है आधार OTP और नीचे आपका आधार कार्ड का नंबर, जिस भी व्यक्ति को सेलेक्ट करेंगे उसका आधार कार्ड का नंबर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, और साइड में यहाँ पे वेरीफाई का बटन दिया जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे दोस्तों एक कंसेंट आ जाएगा, ठीक है, एक पेज खुल जाएगा, वहां पे आपको नीचे आना है, टिक लगा देना है और कंसेंट दे देना है। देख सकते हैं यहाँ पे कंसेंट खुल जाता है, यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और अलाउ पे क्लिक कर देंगे, मैंने कंसेंट दे दिया। उसके बाद दोस्तों एक बेनिफिशियरी आधार OTP, यानी कि जो भी व्यक्ति का आपने आधार कार्ड का नंबर सिलेक्ट किया है उसके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, और दूसरा OTP जाएगा दोस्तों बेनिफिशियरी मोबाइल OTP, जिससे आपने आयुष्मान ऐप में तुरंत जब आपने आयुष्मान ऐप ओपन किया था फिर अपना मोबाइल नंबर देखे जो
वहां पे लॉग इन किया था उस मोबाइल नंबर पे जाएगा ओटीपी, दो ओटीपी जाएगा, एक उसके आधार कार्ड के मोबाइल नंबर पे, एक आपने जिससे अभी आयुष्मान कार्ड ऐप लॉग इन किया है उस पे जाएगा, दो ओटीपी जाएगा। दोनों मोबाइल नंबर अगर सेम है तो सेम मोबाइल पे दो ओटीपी आएगा, एक आधार कार्ड से और एक आएगा दोस्तों आपको यहाँ पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा दोस्तों, ओटीपी आने के बाद यहाँ पे आपको दोनों ओटीपी डाल देना है और सबमिट कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे दोस्तों फिर से आपको बोला जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड एज फैमिली मेंबर, आपका पूरा फैमिली मेंबर का डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगा। और फिर से बोला जाएगा ई केवाईसी, ठीक है, यानी कि अब मेंबर का ई केवाईसी कीजिए। आधार ओटीपी सेलेक्ट करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, कंसेंट आएगा नीचे, एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, अलाउ कर देंगे और आपको फिर से दो ओटीपी भेजा जाएगा दोस्तों। एक इस बार आधार ओटीपी आएगा उसी आधार लिंक मोबाइल नंबर पे, और जो बेनिफिशियरी मोबाइल ओटीपी है वो आएगा जिससे आपने आयुष्मान ऐप को लॉगिन किया है। दोनों मोबाइल नंबर सेम है तो सेम मोबाइल पे दो ओटीपी आएगा। देने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको बेनिफिशियरी फोटोग्राफ देना होगा, ठीक है। बेनिफिशियरी फोटोग्राफ क्या होता है दोस्तों, बेनिफिशियरी फोटोग्राफ होता है कि जिस भी व्यक्ति का भी आप कार्ड बना रहे हैं ना उसका एक लाइव फोटो लेना होगा आपको। अगर यहाँ पहले से फोटो रहता है दोस्तों फिर भी आप नया फोटो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे दोस्तों जो फोटो यहाँ पे है कैप्चर फोटो का जो ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे ना तो आपका कैमरा खुल जाएगा दोस्तों और फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा आपका, और यहाँ से आपको एक सेल्फी टाइप का एक फोटो ले लेना है बेसिकली, ठीक है। फोटो लेने के बाद दोस्तों वो फोटो यहाँ पे सेव हो जाएगा। फोटो सेव होने के बाद नीचे देख सकते हैं दोस्तों मैच डिटेल जो है, मैचिंग स्कोर जिसे कहा जाता है 93 समथिंग है, यानी कि जिसका भी 80% से ज्यादा यहाँ पे रहेगा दोस्तों मैचिंग स्कोर, उनका 10-15 मिनट के अंदर ही कार्ड जनरेट हो जाता है। जिनका मैचिंग स्कोर थोड़ा कम रहता है उनको थोड़ा वेट करना पड़ता है 24 से 48 घंटा, 1 से 2 दिन वेट करिएगा तो आपका कार्ड बन जाएगा, जिनका 80 से कम होता है। लेकिन इनके केस में 93% दिख रहा है, इनका 10 से 15-20 मिनट के अंदर, मतलब तुरंत अभी आपने अप्लाई किया 10 मिनट के बाद डाउनलोड कर सकते हैं अपना कार्ड, तो इनका हो जाएगा तुरंत। देख सकते हैं मैचिंग स्कोर यहाँ पे बताया गया है कि सही है, 80% से ज्यादा है तो बेस्ट है। नीचे आएंगे दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मांगा जा रहा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कुछ और डिटेल आपसे मांगा जा रहा है, जैसे कि डू यू हैव मोबाइल नंबर, यस पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे दोस्तों और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आएगा उस मोबाइल नंबर पे, मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा उसको दे देंगे दोस्तों। और आपको यहाँ पे रिलेशन विद फैमिली हेड, यानी कि दोस्तों घर का जो मुखिया है, जैसे कि जो आपका फैमिली डिटेल दिख रहा है ना उसमें मुखिया कौन है और उससे रिलेशन क्या है आपका। जैसे मान लीजिए मुखिया अगर किसी का जो फादर वो है तो अगर उनका बेटा का बना रहे हैं तो वहां पे लिखना होगा, देख सकते हैं यहाँ पे सन आपको देना होगा कि सन है ये, ठीक है। और आपको ईयर ऑफ बर्थ देना होगा, किस साल आपका जन्म हुआ है, 1995 हुआ है, कब हुआ है, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको नीचे पिन कोड दे देना है, पिन कोड जो भी आपके आधार कार्ड में है वो सेम टू सेम दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है और रूरल है या फिर अर्बन है, ठीक है, ग्रामीण है या फिर शहरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और जो भी डिटेल यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि आपका सिटी कौन सा है या फिर वार्ड नंबर क्या है, वो सब डिटेल छोटे मोटे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। उनको देने के बाद आपका जो कार्ड है दोस्तों नीचे आने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, डिटेल फिल करने के बाद। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको बताया जाएगा E-KYC is completed. Please download the आयुष्मान कार्ड after some time. यानी कि अभी जो आपने आयुष्मान कार्ड अप्लाई किया है इसे आपको कुछ समय बाद डाउनलोड कर सकते हैं, वो रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों अभी अभी जो तरीका मैंने बताया बिल्कुल नया तरीका है, बिल्कुल लेटेस्ट मेथड है दोस्तों, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। अब तो कार्ड बन गया लेकिन अब इसे डाउनलोड कैसे करेंगे, अभी दोस्तों तुरंत अगर आप डाउनलोड करने जाएंगे ना, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे तुरंत अगर आप डाउनलोड करने जाएंगे कार्ड तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड में अप्रूव तो दिख रहा है, ठीक है। जैसे डाउनलोड कार्ड पे क्लिक करेंगे योर कार्ड इज गेटिंग प्रोसेस्ड प्लीज वेट फॉर सम टाइम, मतलब आपका कार्ड जो है रेडी हो रहा है कुछ समय वेट कीजिए ये बताएगा। तो हम भी 10-15 मिनट वेट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, और थोड़ा देर बाद इसे ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने थोड़ा देर वेट करने के बाद इसको मैंने अभी अभी ओपन किया दोस्तों, लेकिन ये क्या होता है तुरंत लॉग आउट हो जाएगा। जैसे आप इससे बाहर आएंगे ना इस एप्लीकेशन से तो बाहर हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा, फिर से आपको लॉग इन करना होगा। कैसे करना होगा, आयुष्मान ऐप को ओपन करना होगा दोस्तों, तो वही सेम जैसे लॉगिन उस समय किया था आपने, बेनिफिशियरी सिलेक्ट किया था, बेनिफिशियरी सिलेक्ट करने के बाद अपना वही मोबाइल नंबर दे देंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी दे देने के बाद आपको एक कैप्चा फिल कर देना है और लॉगिन कर लेना है। फिर आपको जैसे वहां पे आपने अपना आधार कार्ड का नंबर दिया था, ठीक है, और अब सर्च किया था तो वैसे सर्च कर लेना है, स्कीम दे देना है, स्टेट दे देना है, सब स्कीम दे देना है, सर्च बाय पे क्लिक करके आधार सेलेक्ट करना है और नीचे अपना आधार कार्ड दे देना है और सर्च करना है। जैसे ही सर्च करते हैं दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्ड है उनको अप्रूव्ड दिख चुका है, मैंने अपने निचले वाले फैमिली मेंबर का भी कार्ड जनरेट कर लिया है। तो देख सकते हैं डाउनलोड कार्ड का एक बटन दिया जाता है, इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन पे आपको एक पेज आ जाएगा ऑथेंटिकेशन का, वहां पे आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा आधार ओटीपी, यही सिलेक्ट कीजिएगा बेस्ट रहता है, आधार ओटीपी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और आपको
नीचे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, एक कंसेंट दे देना है, नीचे आना है, अलाउ पे क्लिक कर देना है टिक लगा के, और आपको दो ओटीपी मिलेगा, एक आधार वाले मोबाइल पे नंबर पे, एक जिससे लॉग इन किया है उस पे। दोनों ओटीपी डाल देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा यू हैव सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड एज फैमिली मेंबर, प्रोसीड टू क्रिएट कार्ड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जिस भी व्यक्ति का कार्ड आपको बनाना है, जिस भी व्यक्ति का कार्ड आपने बनाया है, जो भी कार्ड आपको डाउनलोड करना है दोस्तों, उस व्यक्ति का डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा कि कार्ड व्यू यहाँ पे तीनों का नाम देखने को मिल जाएगा, जो जो व्यक्ति का कार्ड बनाया हुआ उसका दिख जाएगा। जिसका भी डाउनलोड करना है यहाँ पे हम लोगों को क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो कार्ड का जो रिव्यू होता है ना वो दिख जाएगा कि कार्ड आपका इस तरह दिखेगा, और नीचे डाउनलोड प्रिंट और शेयर का ऑप्शन दिया जा रहा है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके इस कार्ड को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड, यहाँ देख सकते हैं ये आयुष्मान कार्ड डाउनलोडेड सक्सेसफुली, एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ को ओपन करेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं इस टाइप का आपका आयुष्मान कार्ड देखने को मिलेगा, इसको आप लेमिनेट करा के जेरॉक्स करा के रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहां से आप सभी लोगों को मैंने दिखा दिया है कि आयुष्मान कार्ड आप घर बैठे ऑनलाइन 2-4 मिनट के अंदर आप कैसे बनाएंगे। आई होप आप लोगों का कार्ड बन गया होगा, जिन भी लोगों का कार्ड बन जाता है दोस्तों नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, और जिन भी लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है दोस्तों वो भी अपना कमेंट यहां पे दे सकते हैं, ताकि मैं उस पर भी वीडियो लेकर आ सकूं और आप लोगों का प्रॉब्लम सोल्व कर सकूं। फिलहाल अगर आपको इसके बारे में कोई भी आपको अगर सवाल करना है दोस्तों तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आप मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।